भूपेश जी, दो तस्वीरें देखिए, एक पार्टी है, मुख्यमंत्री बदल गए आसाम में, त्रिपुरा में, उत्तराखंड में तो तीन तीन बार बदल गए, कर्नाटक में इतने पुराने मुख्यमंत्री, इतने जिद्दी किस्म के मुख्यमंत्री वो भी बदल गए, गुजरात में तीन तीन बदल गए, सब डिसिप्लिन से हुआ। दूसरी पार्टी देखिए, राजस्थान में खींचतान मची रहती है, पता ही नहीं चलता कि विपक्षी हैं या अपनी पार्टी वाले हैं। मध्य प्रदेश में वो लड़ते लड़ते पार्टी छोड़ गए, आपके राज्य का हाल आप जानते हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के नेताओं में डिसिप्लिन कहीं ज्यादा है कांग्रेस के नेताओं से, या वहां कड़ाई से काम होता है, यहां खुला खेल है? ऐसी कोई बात तो नहीं है। क्या 15 साल रमन सिंह को बदल पाए, जब सारे विधायक इसके खिलाफ 2008 में गए थे दिल्ली, बदल पाए थे? वसुंधरा राजे सिंधिया को क्या राजस्थान में वो लोग बदल पाए? क्या शिवराज सिंह को वो लोग बदल पाए थे? या खुद नरेंद्र मोदी जी को उसके नेतृत्व तो बदल पाए थे? समय का दौर है, आपने देखा राजे जी के समय रातों रात मुख्यमंत्री बदल दिए जाते थे, इंदिरा जी के समय आपने देखा होगा। तो मैं फिर वही जो मैं आपसे पहले सवाल पूछ रहा था, बड़ा बदलाव यही है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो उतना सशक्त नहीं है जैसे पहले हुआ करता था, उसकी कमजोरी की वजह से इस तरह की बातें राज्यों में सुनाई देती हैं। संगठन तो है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब सत्ता में आए तो लोग मानते ताकतवर हो जाते हैं, तो नेतृत्व हमारा कमजोर नहीं है। यही नेतृत्व है जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को, इतनी लोकप्रिय सरकार को, लोक प्रधानमंत्री को, सोनिया जी अकेली महिला है जो पूरे देश भर घूम के उस सरकार को उखाड़ फेंकी थी, और 10 साल तक यूपीए सरकार चली, तो नेतृत्व सक्षम है, वही नेतृत्व आज भी है। अब ये है कि हम हार गए तो लोगों का नजरिया बदल गया, इससे अलावा कुछ नहीं। आपको ऐसा लगता है क्या कि अब भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है? कि जिस प्रकार से अध्यक्ष बनाया है, जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष बनाया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ही हजम नहीं हो पा रहा है। दूसरे लोगों की बात क्या है, हो सकता है अभी 3 दिन के शिविर है उसमें ये मामला उठे। छत्तीसगढ़ में आपने बहुत सारी योजनाएं दी हैं आपके आने के बाद, और वो लोकप्रिय भी हुई, लेकिन आज परिदृश्य जब हम देखते हैं तो आपका जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी है, या गौमूत्र खरीदने का अभी नया प्रयोजन है, या गोधन न्याय योजना है, इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोग आपका वोट बैंक बनेंगे और आपको सफल करेंगे? देखिए, यहाँ तक कि देश के अर्थव्यवस्था में देखेंगे तो ये देश तो वैसे कृषि प्रधान देश रहा, लेकिन उसके साथ साथ गौपालन ने भी एक पैरल इकोनॉमी आप कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र का। और बीच में जो राजनीति चली कि ये मॉब लिंचिंग हुआ, मारपीट की, और उसके कारण से गाय हमारी माता है, और इस चक्कर में लोगों को मार भी डाला गया, तो आखिर में स्थिति यह है कि देश भर में मवेशी बाजार समाप्त हो गया, कोई खरीदी बिक्री करता नहीं, केवल दूध देने वाले जो जानवर हैं उसी खरीदी बिक्री हो रही। तो बचत जो जानवर है वो आज पूरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिए, आवारा पशु, ऐसे समस्या खड़ा कर लिए, राजनीतिक लाभ भी ले लिए, गाय हमारी माता है ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन समस्या का समाधान क्या दिए? समस्या का समाधान हमने बताया, हमारी सरकार ने बताया, गोधन न्याय योजना, गोबर खरीदी, गौठान का निर्माण, चारागाह का निर्माण, और उससे SSG को उसको जोड़ने का काम, वर्मी कंपोस्ट बनाना और गोकास्ट बनाना है, अब तो प्राकृतिक पेंट भी बना रहे हैं, बिजली उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो गौ पालन है उसको लाभ का धंधा हम बना रहे हैं, तो उससे होगा क्या? जब तक अर्थ से आप नहीं जोड़ोगे, तब तक केवल कोरी धार्मिक भावना से बात नहीं बनेगी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब आप ये कर रहे हैं, आप बीजेपी की पिच पर जाके खेल रहे हैं, बीजेपी पिच तो है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप ज़्यादा इसमें कोशिश करेंगे तो वो फिर ED वाले, CBI वाले वो यहाँ भी आ सकते हैं? हाँ, वो आ ही रहे हैं, आ रहे हैं। अच्छा, मैं तो बल्कि अभी संघ का यहाँ कार्यक्रम हो रहा है 3 दिन तक के, तो उनको तो आमंत्रित करता हूँ कि भैया हमने यहाँ गौठान बनाया है, आइए आप देखें, हमने यहाँ कौशल्या माता का मंदिर का जीर्णोद्धार किया है, आइए आप देखें, हमने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोला है, आइए आप उसका निरीक्षण करिए।
अभी जो आप ये कह रहे थे कि वो आ ही रहे हैं, क्या आप गंभीरता से कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई आईटी वाले यहाँ पर आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? सब गली गली में घूम रहे हैं। और अभी झारखंड के विधायक तो आए हैं, छापा तो पढ़ना है, दो चार दिन में पढ़ने वाला होगा, हो सकता है कुछ दिन में पढ़े, लेकिन होगा तो जरूर। और जब जब भी मैं बोला हूँ, झारखंड गया था झारखंड के चुनाव में, सबसे पहले मैं बोला था झारखंड का चुनाव समाप्त हो गया, सरकार उसकी नहीं बनी, देखना यहाँ छापा पड़ने वाला, और सही भी पड़ा। और अभी फिर कह रहा हूँ, फिर झारखंड के लोग आए हैं विधायक लोग, अब फिर छापा पड़ने वाला, फिर छापा पड़ने वाला, पड़ने वाला। और किला मजबूत है ना? किला मजबूत है। अभी जो जानकारी मिली कि जो संघ के शिविर में जो मेनू है उसमें छत्तीसगढ़ व्यंजन को शामिल किया है, चीला फरा और बाकी चीज़ों को, तो आपने पिछले 3-3.5 साल में छत्तीसगढ़ियावाद की पिच को इतना मजबूत कर दिया और बीजेपी को उनके आपके पिच पे खेलने में मजबूर कर दिया, तो ये जो आपका जो छत्तीसगढ़ियावाद की जो पिच है ये वो वापस बीजेपी को कितना फ़ायदा मिलेगा इसको? उनको कोई काट नज़र नहीं आ रहा लग रहा है। 15 साल इनकी सरकार रही, कभी छत्तीसगढ़ियों मतलब छत्तीसगढ़ के लोगों को लगा नहीं कि हमारे हमारी सरकार है। और आज यदि संघ का 3 दिन का शिविर है, उसमें चीला फरा चौसेला ठेठी खुरमी यदि मीनू में है, तो निश्चित रूप से इसमें खुशी की बात है। इतने दिन बाद आप अपनाए तो छत्तीसगढ़ को मान देने आपने सोचा, तो चाहे मजबूरी में हो आपने स्वीकार तो किया कि छत्तीसगढ़ सम्मान किए बिना आप छत्तीसगढ़ में राजनीति नहीं कर पाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।